फेमिनिस्ट फ्रंट इंडिया व पुलिस प्रशासन द्वारा करनाल इंद्री के थाना प्रणांग में पौधारोपण करके पर्यावरण का संदेश दिया गया। इस मौके पर थाना प्रभारी सतपाल सिंह विशेष रूप से मौजूद रहे। इस अवसर पर जामुन, अमरूद व आम सहित कई अन्य फलदार पौधे लगाए गए। थाना प्रभारी सतपाल सिंह ने बताया कि मौजूदा समय में हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो जा रहा है। इस प्रदूषण को केवल पेड़ पौधे लगाकर ही दूर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमें अपने जीवन में किसी भी खुशी के मौके पर पौधारोपण अवश्य करना चाहिए और इसके साथ ही इन पौधों की देखभाल करना भी हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। उन्होंने पौधारोपण जैसे नेक कार्य को करने के लिए संस्था के सदस्यों का आभार जताया। इस अवसर पर एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के प्रभारी सचिन शालिंडे ने कहा कि इंद्री पुलिस प्रशासन समाज सेवा के अच्छे कार्यों के लिए हमेशा तत्पर रहता है। उन्होंने कहा कि आज इंद्री थाना परिसर में पौधारोपण किया गया। हमें पौधारोपण करते समय उनकी देखभाल करने की शपथ भी लेनी होगी, तभी पौधारोपण करना सार्थक होगा। इंद्री से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। आज एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया द्वारा व पुलिस प्रशासन द्वारा इंद्री पुलिस स्टेशन में पौधारोपण किया गया, जिनका शुभारंभ SHO श्री सतपाल कुमार जी द्वारा किया गया, जिनका फ्रंट आभार व्यक्त करता है। वहीं पुलिस प्रशासन ने एक अच्छा संदेश दिया है। पुलिस प्रशासन कोरोना जैसी महामारी भी तो हमारे साथ खड़ा है, वहीं उन्होंने एक जमीनी स्तर का कार्य करके एक संदेश दिया है कि हम सबको अपने जीवन में 10-10 वृक्ष अवश्य लगाने चाहिए और पर्यावरण को सुंदर बनाना चाहिए। SHO श्री सतपाल जी हमारे साथ गौण सेवा मतदिल से खड़े हैं और उनसे अलग भी वो समाज सेवा के कार्य के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हम गोरक्षा दल से जुड़े हैं, जैसे घायल गोवंश का ट्रीटमेंट करते रहते हैं और जो मृत गोवंश जो एक्सीडेंट के साथ उनको मिट्टी देते हैं। इसके अलावा भी समाज सेवा के कार्य करते रहते हैं जिससे हम जिसमें हमें प्रशासन का पूरा भरपूर सहयोग मिलता है। इसमें हमारे कुछ युवा एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के युवा लड़के थे, उन्होंने ये पौधारोपण कराया और बहुत अच्छा किया। मैं तो ये कहूँगा भी हर इंसान को एक पौधा ज़िंदगी में ज़रूर लगाना चाहिए और पौधा लगाना ही नहीं चाहिए, उसको बड़ा भी करना चाहिए। उसको पौधा जब तक पेड़ नहीं बन जाता जब तक उसकी रक्षा करनी चाहिए। हाँ, हमने एक अमरूद का पेड़ लगाया, एक आम का भी लगाया, एक जामुन का भी लगाया और नीम का भी लगाया। क्या संदेश देंगे पर्यावरण वन महोत्सव मनाया जा रहा है इसमें? मैं तो सभी जनता से अपील करूँगा कि हर इंसान को अपने घर में, आस पड़ोस में, सभी जगह जहाँ भी खाली जगह मिले एक एक, एक पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। मैं सभी से ये भी अपील करूँगा कि आप सभी लोग अपने जन्मदिन पे या कोई भी खुशी का दिन आए उसमें सभी अपने 5-5 या 10-10 पेड़ ज़रूर लगाएं, क्योंकि हमारा पर्यावरण बहुत ख़राब होता जा रहा है पोल्यूशन की वजह से। अगर हम सभी लोग पौधे लगाएंगे तो उसमें भी काफ़ी सुधार होगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।